झाबुआ जिले भर में अब तक लगभग 1077 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें लगभग 239 एक्टिव केस जिले भर में पाए गए हैं। अब तक जिले भर में कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना महामारी संक्रमण की बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है, परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि हमारे कोरोना योद्धा हमेशा मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में इनका हौसला बुलंद रखने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। डॉक्टर बघेल, प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा जिला झाबुआ, अनुसार ऐसे लोगों को स्वयं की सुरक्षा के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनना चाहिए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। अभी तक कुल 1077 केस हो गए हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन खोल दिया गया है, सब एक्टिविटी चालू कर दी गई है, तो उनमें लोग भी अपना जो सुरक्षा का जो मापदंड है वो सही से पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क खराब कर जो नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। जहाँ अभी अवेयरनेस की कमी है, हम लोग लगातार अवेयरनेस के बारे में हम कर रहे हैं, तो कोशिश लेंगे, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। सर, इसमें एक्टिव केस कितने हैं अभी तक? अभी एक्टिव केस 239 हैं अपने फिलहाल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्चार्ज रिकवर होकर अपने 827 केस डिस्चार्ज हुए। कोरोना वायरस से संक्रमित होने से कितने लोगों की मृत्यु? मृत्यु 11 लोगों की हो चुकी है अभी तक। 11 लोग। अगर बढ़ती हुए संक्रमित संख्याओं को देखते हुए प्रशासन ने कोई दिशा निर्देश कंट्रोल के लिए? कंट्रोल के लिए यही है कि लोग अपने आप ही प्रिकॉशन रखें, तभी आए। केवल प्रशासन ही नहीं कर सकता, सेल्फ जागरूकता और सभी आपस में जागरूकता जब तक नहीं डेवलप होगी, जब तक मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, तब तक ये बढ़ता रहेगा। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। आप अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। मास्क का बहुत जरूरत है। आपके विभाग की ओर से जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहें कि अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं, पूरा प्रदेश बचेगा इससे। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। यही हमारे जनता से अपील है और इसी से हम आगे जीत सकते हैं इस कोरोना की महामारी से। और जनता से ये अपील करता हूँ कि किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी और ये भी हो रहा है, इवन थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पूरे जिले में 8 जगह फीवर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग फीवर क्लिनिक में आए, वहाँ अपना जांच करा सकते हैं। कोई भी आए उसकी जांच होगी वहाँ पे, अगर वो जांच कराना चाहता तो होगी जांच उसमें फीवर क्लिनिक में। अभी हमारे पास आरटी टेस्ट भी आ चुकी है और साथ में आरटीपीसीआर के सैंपल भी ले जाकर हम आगे भिजवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।